खरगोन शहर में लगातार वैध अवैध कॉलोनियों में नियमों की अनदेखी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते एक ताज़ा मामले में कॉलोनाइजर ने अपनी कॉलोनी में दाम बढ़ाने के लिए नहर पर ही पुलिया बनाकर उसे आम रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में जल संसाधन विभाग ने नोटिस जरूर जारी किया, लेकिन नहर पर किए गए इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की गई। जल संसाधन विभाग के SDO मनीष मौर्य ने बताया कि कुंदा नगर क्षेत्र में शहनाई मैरिज गार्डन के सामने के मालवीय नामक युवक द्वारा कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है। कॉलोनाइजर ने बिना अनुमति रातों रात नहर पर पुलिया बनवा ली और इस पर भारी वाहनों के जरिए रॉ मटेरियल कॉलोनी तक पहुँचाया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर कलेक्टर सहित राजस्व विभाग को अवगत कराते हुए अतिक्रमण हटवाए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किसके नाम से है ये? के मालवीय, डॉक्टर के मालवीय के नाम से पता चला है कि उनके नाम से परमिशन वगैरह थी सर क्या? नहीं, इन्होंने पूर्व में परमिशन मांगी गई थी, वो जानकारी मिली है हमें, किंतु नहर पे इनको परमिशन नहीं दी गई है पुलिया निर्माण की। क्या नाम था कॉलोनी का सर? इसका नाम कॉलोनी का अभी कुछ ऐसा नाम इनका डिसाइड नहीं हुआ है, जो हमें जानकारी नहीं मिली है। जैसे भी इसकी जानकारी मिलेगी कॉलोनी के नाम की। क्या नाम लिखते हैं सर आप पूरा? मनीष मौर्य, SDO। शिकायत प्राप्त हुई थी कोई के नेमा करके कोई व्यक्ति है कॉलोनी का निर्माण कर रहा है। तो बनियार से आने वाली जो नहर है, उस नहर को बंद करके अपने कॉलोनी में जाने का रास्ता बना लिया। उसी रास्ते का जो अवैध अतिक्रमण था, उसी को खुलवाया जा रहा है। कॉलोनी का उसका दूसरा रास्ता, वहाँ से उसका उपयोग कर रहा है। इसके बाद अभी इसकी कॉलोनी की पूरी जांच करवा के इसके पास सारे दस्तावेज वगैरह है कि नहीं, अगर दस्तावेज नहीं होगा तो नियम से कार्रवाई करेंगे, जैसे पूर्व में FIR वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।